हेलो मीठी फैमिली मेंबर, कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह देखो कौन आया है, ये का देखो मीठी आ गई। और मीठी किसको किसको साथ में लेके आई है बता दो, फ्रेंड लोग को बता दो किसको किसको। अरे वाह, मतलब मीठी दो ठो बुआ भी लेके आई है अपने साथ, मतलब मेरी मामी सास की दोनों बेटियां आई हुई हैं। और अभी आपको सब लोगों से मिलवाऊंगी। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ अप्पे। ये देखो अप्पे का सांचा मैंने चढ़ा दिया है। और घर ये देखो पूरा फैला के बैठी है ये लड़की। और सुबह से कुछ भी नहीं खाई है, सिर्फ खेल ही रही है। तो चलो अभी हम लोग पहले कर लेते हैं काम और उसके बाद फिर बातें करते हैं ना मीठी। और मीठी ना सुबह से कुछ खाई है और ना मेकअप की है, मतलब तैयार भी नहीं हुई है और सिर्फ खेल रही है ना। पीहू मिल गई खेलने के लिए। हाँ, और दूध बिस्किट कब खाओगी? हाँ तो चलो हम लोग अप्पे बनाते हैं, ठीक है। अरे छोड़ो यार मीठी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे सूजी को अच्छे से टमाटर मिर्ची और पत्ता गोभी सब कुछ इसमें डाल के अच्छे से दही भी डाला है और ये सब कुछ डाल के इसको फेंट दिया है। और अभी मैं ना इसको थोड़ा सा निकाल लूँगी इस वाले बर्तन में और इसमें डालूँगी फिर मैं इनो। और इनो से ये बहुत जल्दी फूलता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। जितना मुझे बनाना है, जितने बार बनाना है उतने बार इनो डालते जाऊँगी। और शक्ल की बैंड बच जाती है, इसीलिए मैं ना किचन में कुछ भी नहीं लगाती हूँ, बिल्कुल सिंपल रहती हूँ। सिंदूर जरूर लगा लेती हूँ, बाकी बिल्कुल सिंपल रहती हूँ। तो चलो ठीक है, अभी अप्पे बनाते हैं और उसके बाद आपको और भी लोगों से मिलाते हैं, ठीक है। पूरी तैयारी हो गई है अप्पे बनाने की और एकदम लास्ट में मैं इसमें इनो डालूंगी। जितना मुझे अभी बनाना है उतना मैंने एक अलग बर्तन में निकाल लिया है और इसमें मैं इनो डालूंगी। इनो डालने से बहुत अच्छा फूला फूला गोल गोल आपका अप्पे जो है वो तैयार होएगा। और एक साइड दाल भी पक रही है मेरी और इधर मैं इनो डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और आज हम लोग एक नया गेम खेलेंगे, दूसरा गेम खेलेंगे। और जो कल मैंने गेम खेला था ना रोटियाँ गिनने वाला, उसका जो मतलब जितने लोगों ने सही आंसर दिया है वो भी मैं आपको नाम बताऊँगी। तो चलो अभी अप्पे बनाते हैं। और सबसे पहले मैंने जो ये अप्पे का सांचा है इसमें तेल लगा दिया है ताकि जो मैं अप्पे का बैटर डालूं तो इस पे चिपके नहीं। तो देखिए मैंने कैसे किया, बिल्कुल पास से दिखा रही हूं आपको। और इसमें सबसे पहले मैंने राई डाला है और राई फूटने लगती है, मतलब जैसे तेल में आप राई डालोगे तो ये फूटने लगेगी। तो फटाफट से हमें काम करना है। और हाँ, बिल्कुल हाथ आँख सब बचा के रखिएगा क्योंकि चिटकता है ना, जब भी कोई भी चीज़ क्रैक होता है, जीरा राई ये सब चीज़ें, तो ये चिटकते हैं तो ये आपके ऊपर आ सकते हैं, इसलिए एकदम केयरफुल होकर करिएगा। अगर ना समझ में आए तो मत करिएगा, सिर्फ तेल से इसको मतलब तेल से जो सांचा है इसको तेल लगा दीजिएगा, उसके बाद इसमें जो अप्पे का बैटर है ये डाल दीजिएगा। और ये बहुत गोल गोल फूले फूले तैयार हुए थे, खाने में बहुत टेस्टी थे। तो चलो जितना है मैं इसको सारा इसमें डाल देती हूँ और लास्ट में जो बीच वाला है ना इसको मैं लास्ट में डालती हूँ ताकि जले नहीं चिपके नहीं। मैंने यहाँ पे अप्पे को चढ़ा दिया है पकने के लिए और साथ ही साथ मैं दाल चावल भी बना रही हूँ। और बहुत ज़्यादा मैसी है पूरा किचन, वो आप देख रहे होंगे। तो अभी मैं सबसे पहले मिलाती हूँ आपको सुम्मी से। ये देखो, ये मेरी मामी सास की बेटी है और ये डेली ब्लॉग भी देखती है और कमेंट भी करती है ना सुम्मी। हाँ, है ना, पर अपने दूसरे आईडी से करती ना। नहीं ना, क्यों चली गई? वही आइडिया। शर्म आ रही है कैमरे के सामने? नहीं आ रही है ना? नहीं, मजा आ रही है। हाँ। अच्छा, भाभी की कोई एक कमी बता दो जो ब्लॉग में कुछ कमी लगती कुछ है। नहीं। तो अभी अप्पे बनाना देख रही थी कि कैसे बना रही है भाभी अप्पे। और मीठी मैडम अभी तैयार हो रही है, वो बोल रही सुम्मी के लिए मैं तैयार कर दूँ, तो वो खुद से तैयार हो रही है। तो मैंने आपको सुम्मी से मिला दिया है और ये मेरी मामी साथ की छोटी वाली बेटी है। अभी मैं आपको बड़ी वाली बेटी से भी मिलाऊंगी और अब ये लोग कुछ दिन हमारे साथ रहने वाले हैं। और सुम्मी मेरे लिए क्या लेके आई हो? आम और तरबूज और नहीं, एक चीज मेरा फेवरेट वाला जो लेके आई हो, जिसको बना के खिलाओगी खुद। तो ये मक्के का आटा लेके आई और बोली भाभी आपको खुद पसंद है और मट्ठा रखे रहना, मैं आपको खुद बना के खिलाऊंगी। और अगर आप लोग नहीं जानते हो ना तो आप लोग भी वो रेसिपी देखना, सच में एकदम ढोकले जैसा लगता है और इतना टेस्टी लगता है। ये मुझे बना के खिलाएगी और खुद से इसने, मतलब मैंने कहा भी नहीं था, पता नहीं कैसे खुद से अपने लिए मतलब अपना दिमाग लगाई कि चलो भाभी के लिए मक्के का आटा लेके चलते हैं और इनको खुद बना के खिलाएंगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब ये सुबह सुबह ही बोली कि भाभी मैं आपके लिए मक्के का आटा लेके आई हूँ। तो चलो अब हमारा जो ये अप्पे का ये है ना, ये फूल गया है अप्पे, तो अब इसको पलटने का टाइम आ गया है, तो इसको पलट लेते हैं और उसके बाद आप लोगों को अप्पे खिलाते हैं और सुम्मी बैठी है उसको भी खिलाते हैं। तो एक साइड से ये अच्छे से पक चुका है और मैं सबसे पहले बीच वाला ही मतलब पहले इसमें ऑयल लगा रही हूँ ऊपर से, और ताकि क्योंकि नीचे पलटूंगी तो चिपके नहीं, इसलिए इसको ऊपर से भी ऑयल लगा दे रही हूँ। और सबसे पहले मैंने बीच वाले को पलटा है क्योंकि ये जल्दी जलने लगते हैं, क्योंकि जो गैस की फ्लेम होती है यहाँ पर ज़्यादा लगती है। और जो मेरा गैस चूल्हा आपको दिख रहा है इस पर दाल लगा हुआ है क्योंकि मैं अभी दाल चढ़ाई थी आपने देखा है, तो अभी मैं दाल को फ्राई करने वाली हूँ, छौंका लगाने वाली हूँ, इसलिए सब कुछ मैसी
पड़ा हुआ है, सो गाइस प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि जब भी दाल चावल बनाओ ना तो गैस चूल्हे की और कुकर की सब चीज़ की बैंड बच जाती है। तो ये मैं सारे अप्पे जो है इसको पलट के दूसरे साइड से भी पका लूँगी ढक के, तो हमारे अप्पे हो जाएंगे रेडी। तो यहाँ पे अप्पे पलटने में सुम्मी मेरी मदद कर रही है और मैं एक साइड दाल फ्राई कर रही हूँ। और मतलब जब से मतलब ये लड़की आई है ना, मेरा इतना अच्छा दिन बीत रहा है, मैं क्या बताऊँ। और पूरे टाइम मेरे साथ लगी रहती है, मतलब इसको थकान भी नहीं है। मैंने कहा कि जाओ तुम आराम कर लो, तो कहीं नहीं मैं आपके साथ लगी हूँ ना, मेरे को अच्छा लगता है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। और आपको सुम्मी कैसी लगी, संजू दीदी कैसी लगी, वो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, दाल इधर पक चुकी है और इधर चावल मैंने चढ़ा दिया और ये रहे अप्पे। तो आ जाओ आप लोग भी खा लो ये अप्पे। और देखो संजू दीदी आते ही ना काम करने लगी, और कौन काम करवा रहा है, मोंटू भैया, रुक जो दिखाते हैं। दिखाती बहन से सेवा कराने लगे क्या, और क्या फायदा उठाना चाहिए, और क्या ऐसा बोल रही, लग रहा खुद ही कर रही है। तो अभी संजू दीदी को थोड़ी देर बाद दिखाएंगे, थोड़ा सा अभी वो रेडी शेडी हो जाए। ये ना तेरे नाम सलमान खान टाइप दिख रहे हैं मोंटू भैया आप अभी फिलहाल। और इसके बाद अबे ऐसे में बाल टूट जाएगा मेरा। वीडियो में आ रहे हो तुम। अरे इनकी बहन को तेल लगाते नहीं आता है, देख लो ट्रेनिंग दे रहे हैं अपनी बहन को। चलो खाना बनाने की ट्रेनिंग मैं दे दूंगी और ये मसाज करने की ट्रेनिंग मोंटू भैया दे देंगे। इसका पति भाग जाएगा इसको। ओह माय गॉड, ऐसे करेगी तो अच्छा से कर, आराम से पति से वो खुद ही लगवाएंगी। क्या नाम है संजू दीदी, पति से आप खुद लगाओगे कि पति का आप लगाओगे, देखो करंट ना मार दे, मेरा पति लगाएगा मेरे को। हाँ देखे तेल लगा, वो टाइम गया जो पत्नियां लगाती थी पति को, अब पति लगाते हैं, समझे। मजा आ रहा है, जिसको भी लगाना हो आ जाओ। ओ माय गॉड, लगवाना हो मेरी बहन रेडी है, आ जाओ फटाफट। एक ठो को तो लगा नहीं पा रही है, खींच खींच के उठी है, मारे है। बताओ आज कितने घंटे भी नहीं हुए, 24 घंटे भी नहीं हुए और सेवा कराने लगे। बहुत दिन हो गए ना सेवा कराए। तो बातों बातों में शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। और अभी मैं गैस चूल्हे की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि इसमें दाल बहुत ज़्यादा गिर गया था और मुझे फिर बर्तन भी धुलने हैं। और बर्तन आज कुछ ज़्यादा ही हो गया था दोपहर से लेकर शाम तक का, तो मैं बाहर धोऊंगी, आज यहाँ नहीं धोऊंगी बर्तन। तो चलो ठीक है, मैं बर्तन वगैरह धो लूँ। अभी भी सुम्मी मेरे ही साथ में ही है, वो लड़की मतलब थोड़ी देर जब मैं सोई तो वो सोई, और उसके बाद फिर जैसे ही मैं उठ गई तो वो भी उठ गई। और उसके बाद देखो मैं बर्तन धो रही हूँ, यहाँ पर भी वो आई और बोल रही है कि भाभी मैं बर्तन धुलवा देती हूँ, आप मांजते जाओ, क्योंकि बर्तन काफ़ी ज़्यादा था। तो उसने देखा ये चीज को और समझा, यही मेरे लिए काफी है कि इतना कह दिया उसने तो मानो कि उसने धो दिया। तो मैंने कहा कि नहीं यार रहने दो तुम, मैं धो लूंगी, और रोज तो मैं अकेले ही करती हूँ यार, आज क्या मतलब उससे धुलवा के। तो वैसे भी इतना ज्यादा भी नहीं था, मैं इतना तो धो ही सकती हूँ, और मुझे कहीं जाना तो था नहीं, मैं आराम से धीरे धीरे धो रही थी। और ये जो आपको 4G की स्पीड दिख रही है ना, ये बस मैंने वीडियो को स्पीड किया है इसलिए दिख रही है, बाकी मैंने बड़े धीरे धीरे आराम से धोया है पीढ़े पे बैठ के। और इसके बाद फिर ये गई ना जब बाहर, तो पापा जी ने बोला कि चाय बना लाओ। तो अभी यहाँ पे ये आई ही हुई है तो इसको इतना ज़्यादा नहीं पता कि कहाँ पे क्या सामान रहता है। तो मैंने कहा कि मैं बर्तन सेट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर बताती हूँ कि कहाँ पे क्या है, मैं चढ़ा दूँगी चाय। तो कहीं नहीं भाभी आप बर्तन सेट करो, मैं चाय चढ़ा देती हूँ, जितनी देर में आप बर्तन सेट करोगे उतनी देर में चाय पक जाएगी और फिर आप भी पी लेना और सब लोग पी लेंगे। तो यहाँ पे मैं बर्तन सारे सेट कर रही हूँ, आप देख सकते हो बर्तन मतलब बास्केट में है और कितना सारा हो गया था। और होता ही है गर्मी के टाइम पे हम ना बार बार प्यास लगती है, और मैं जो भी बोल देती हूँ या फिर मेरा जो भी ब्लॉग्स में दिखते हैं वो सारी चीज़ें एकदम रियल रहती है। तो अगर आपको कहीं भी कुछ भी बुरा लगता हो तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। और यहाँ पे पापा जी आ गए थे और मैंने पल्ला रख लिया था सर पे। तो अभी सुम्मी चढ़ाएगी चाय और हम लोग पहले चाय पियेंगे, उसके बाद सुम्मी और सभी लोग जाएंगे शाम को घूमने बाहर। लगा के कर, अरे बाप रे, मास्क लगा के टहलने जा रही है, अरे वाह। तो मास्क तो सबसे सुंदर लग रहा है, देखो इसमें लटकन भी लटक रहा है मास्क में, ये देखो, अरे लाइट आ, देखो हवा चल रही है और लाइट चली गई है। बाबा बैठे, राम राम जप रहे बाबा। वो देखो दूर एक लड़का बैठा है, ये देखो ये समाज से दूर है। हाँ ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है बाहर, अंदर तो इतना गर्मी। नाक के ऊपर मास्क लगाते हैं, नाक के नीचे नहीं। ये अमी ने जाने देते हैं टहलने और हम लोग जाते हैं अंदर, क्योंकि मुझे रात के लिए डिनर भी तो बनाना है। सो गाइस हम लोग खाना पीना खा चुके हैं और अभी रात के बज रहे हैं, देखो
10 बजने में 15 मिनट बाकी है। और ये देखो हमारे साथ कौन कौन बैठा है आज इन सब के साथ, मतलब मैं इन लोगों से बातचीत कर रही थी, मैंने कहा कि चलो ब्लॉग एंड कर देते हैं और फैन की आवाज़ जा रही होगी क्योंकि पति देव को नींद आ रही है। और फेस पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया, मैंने क्या किसी ने नहीं लगाया क्योंकि रात में कुछ भी लगा के नहीं सोते। बस मैं अभी नारियल का तेल लगाऊंगी क्योंकि स्किन जो है ना वो मतलब फैन की वजह से ड्राई हो जाती है बहुत ज़्यादा। और इधर ये देखो, ओए ओए मोहतरमा ओए, और देखो आते ही सारे जितने भी मतलब मैंने सजा के रखे थे, सेट थे जो भी अपनी जगह पर, वो सारे अपसेट हो गए हैं। देखो वो टेडी बियर उधर पड़ा है, सारी चीज़ें यहाँ वहाँ फैलना शुरू, क्योंकि अब मीठी आ गई है। मीठी आओ फ्रेंड्स, तुमको बुला रहे हैं ना। और कल सुम्मी, एक कल सुम्मी बताओ कल पुलाव बना के खिलाओगी कि खुद बना के? खुद मट्ठा थोड़ा ही सा है, एक गिलास पुलाव बना लेंगे, अगर मट्ठा आ गया तो खुद है ना। अच्छा कल का कल देखेंगे कि कल सुम्मी क्या बना के खिलाने वाली, क्योंकि सुम्मी पोहा कह रही हूँ, पुलाव भी बहुत अच्छा बनाती है और खुद भी बहुत अच्छा बनाती है, तो दोनों में से जो भी मतलब इंतज़ाम हो जाएगा वही बना देगी सुम्मी, है ना सुम्मी? हाँ। ये है सुम्मी और ये है संजू दीदी, मैं अभी तक ठीक से मिला ही नहीं। ये देखो ये संजू दीदी बैठी है, ये सुम्मी बैठी है, और ये बड़ी बहन है और ये छोटी बहन है। के मतलब जो कल हम लोगों ने गेम खेला था कि मैं कितनी रोटी सेकी थी, कल वाले ब्लॉग में बहुत सारे लोगों ने आंसर बिल्कुल सही दिया। मिट्टी फ़ोन दिखाओ, देखे आंसर कितने लोग सही दिए हैं। जितने लोगों ने सही आंसर दिया है और थोड़ा सा आंसर के आजू बाजू भी हैं, मतलब सही क्या थोड़ा बहुत 19-20 भी हुआ है, उनका भी मैं नाम ले लूँगी। तो और हाँ, एक क्वेश्चन फिर से करने वाली हूँ, पहले इसका आंसर दे देती हूँ उसके बाद क्वेश्चन करूँगी। तो मैंने पूछा था, आप लोग ब्लॉग देखे थे ना कल वाला, हैं और घर में कल चार लोग थे, मतलब ना ये थी ना मम्मी जी, ये लोग आए ही नहीं थे कल, और चार लोग थे तो सारे लोगों का दो दो रोटी खाने का मतलब चार दिन आठ, मतलब 8 रोटी बनी थी पूरी। और जो लोग सही आंसर दिए उनके नाम अब आपको मैं बताती हूँ, ठीक है? मैंने सारे जो नाम है वो मतलब स्क्रीनशॉट लेके रख दिए, तो वरना कमेंट्स में जाके देखती बहुत टाइम हो जाता। तो नीलेश खरे जी हैं, उन्होंने बताया था 8 या 9 रोटी, हाँ तो 8 रोटी थी, थोड़ा बहुत सही बताया थोड़ा बहुत गलत बताया, चलता है इतना। और नेहा ने बिल्कुल एग्जैक्ट बताया था 8 रोटी, इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट वो दिख ही नहीं रहा है, तो इन्होंने आप कमेंट बॉक्स देखना वहाँ पे 8 रोटी जिन्होंने जितने लोगों ने बोला है वो बिल्कुल सही है। और हिमांचली जायका ने बोला था 8 रोटियाँ, हाँ बिल्कुल सही है हिमांचली जायका, बिल्कुल सही। और नव्या मल्होत्रा ने बोला था आई थिंक 8 रोटी, आई थिंक वाली कोई बात ही नहीं, 8 रोटी थी यार, मतलब कैमरे के सामने बस स्पीड मैंने किया था, पर रोटियां जब फूल रही होंगी तो गिनती तो आप आराम से कर सकते हो। और उसके बाद रेखा लंजीवार, सॉरी अगर मैं गलत नाम ले रही हूँ, तो उन्होंने आपने 8 रोटियाँ बनाई जी, बिल्कुल रेखा जी बिल्कुल सही बोला आपने। और शोभा दुबे जी ने बोला ऐसा लगा कि 8 रोटियाँ बनी, ऐसा लगा नहीं वो सच ही था, 8 रोटियाँ बनी ही थी। और स्नेहा गुप्ता ने बोला 8 रोटियाँ बनाई आपने, बिल्कुल सही बोला। तो ये थे कुछ आंसर जो बिल्कुल सही लगे, कुछ लोगों ने 10-11 भी बोले, 12 भी बोले, कुछ लोग मतलब अपना अपना जिनको जो समझ में आया सब लोगों ने बोला। तो कल का बड़ा मज़ा आया मुझे ये गेम खेल के आप लोग के साथ, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आज फिर से एक गेम खेलते हैं। और आज गेम ये खेलेंगे कि बताना होगा आप लोगों को, ये देखो हंसने लगी क्योंकि मैंने इनसे पहले ही बता दिया था कि आज हम लोग ये वाला गेम खेलेंगे। और देखो एक ही लाइट जल रही है इसीलिए तो अच्छे से दिख नहीं रहा था, चलो जाने दो, इतनी सारी बात हो गई अब क्या लाइट जलाऊँ। तो गेम ये है कि आप लोग बताना कि संजू दीदी मुझसे उम्र में बड़ी हैं या छोटी हैं, ठीक है? या मैं बड़ी हूँ या ये बड़ी हैं, ठीक है? समझ में आ गया ना गेम कि मतलब दोनों में, हम दोनों में से एज किसकी ज़्यादा आपको लग रही है, लोग देख लो अच्छे से। ये संजू दीदी बैठी है, ये मैं बैठी हूँ, और एज आपको मतलब गेस करना है और गेस करके बताना है कि हाँ आप बड़ी हो या फिर संजू दीदी बड़ी है, ठीक है? तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और मैं जो भी आंसर सही देगा ना उसका नेक्स्ट वाले ब्लॉग में नाम लूँगी जैसा कि आज ली हूँ। और अगर किसी का छूट गया हो जिन्होंने 8 रोटी अभी कुछ देर पहले बोली हो, क्योंकि मैं कुछ देर से नहीं देखी हूँ फोन, तो अगर जिन्होंने बोला होगा तो सॉरी, क्योंकि जितना कमेंट्स था अभी का फ़िलहाल उतना मैं बोल दी हूँ, और इस ब्लॉग को अपलोड करने के बाद जिनका आएगा आंसर वो भी नहीं बोल पाऊँगी। तो चलो ठीक है, काफ़ी देर से मैंने आप लोग से बात कर ली है, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मीठी बाय कर दो।